तो आ चुके हैं एक और नई जबरदस्त PUBG मोबाइल की, अरे भाई PUBG मोबाइल नहीं, आज के एक और जबरदस्त वीडियो के साथ वापस PUBG मोबाइल। अभी के लिए करंट हटाना पड़ेगा, अगर अनबैन होता है तो वापस लेके आएंगे, बट करंट टाइम में यार आज हम बात करेंगे कि भाई PUBG नहीं तो क्या, मतलब कोई और गेम्स ट्राई करेंगे या क्या सारा सीन रहेगा। तो यार देखो, लाइक आपको अभी पता होगा अभी PUBG बैन है, बट बैन भी नहीं है, मतलब हर बंदे के फ़ोन में मैक्सिमम के चल रहा है, काफ़ी के नहीं चल रहा बट मैक्सिमम चल ही रहा है। तो क्रिएटर्स भी आपको पता होगा काफ़ी वीडियोस डाले जा रहे हैं PUBG से रिलेटेड। तो यार देखो, अब मैं तो क्या बताऊं, बट अब अपने को तो देखो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के हिंदी गेम प्लेज आपको मिलेंगे विद प्रॉपर वॉइस ओवर। अगर हाँ अनबन होके वापस आता है PUBG, तो यार देखो PUBG अपना नीचता, मतलब एक वो होता है ना यहाँ पे कि भाई हम एक डेडिकेटेड थे PUBG के लिए, तो वो तो देखो आएगा ही आएगा, उसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर बैन होता है तो देखो यार गेम्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं COD में ग्राइंड मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये आप गेम प्ले देख लेना, मैंने सिर्फ स्नाइपिंग से स्टार्ट किया। ये तो मेरे को खेलते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब दो दिन से मैं COD खेल रहा हूँ, इसमें ग्राइंड चल रहा है, और अब की बार मैं अपना मतलब COD के अंदर स्नाइपिंग को अपनी मैन लेके चलने वाला हूँ। मतलब ये नहीं है असोल्टिंग तो देखो हर जगह करनी पड़ती है, बट स्नाइपिंग मैन रहेगी अपनी, और स्नाइपिंग में ही प्रैक्टिस करेंगे तो स्नाइपिंग की ही ज़्यादा करेंगे COD में, बिकॉज मैंने देखा है COD में स्नाइपिंग काफ़ी अच्छे से हो सकती है, बस थोड़ा सा यार मूवमेंट वगैरह स्पीड वगैरह तो बनानी पड़ेगी ही। तो चलो बात कर लेते हैं कि भाई क्या सारा सीन है, क्या कैसे रहने वाला है। तो आपको पता होगा यार हमने करीब करीब 2 साल से 1.5 साल के अराउंड से मैं सिर्फ PUBG का कंटेंट डालते जा रहा था, बिकॉज अपना एक मतलब जो डेडिकेटेड था PUBG से रिलेटेड, बट अब PUBG नहीं रहा तो यार अपने को देखो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो जो ये मेरा मैन चैनल है जो मिस्टर ठग, इस पर आपको पता है कि भाई PUBG अकेला मतलब मोबाइल गेमिंग ही चलती, तो इस पर मैं सिर्फ मोबाइल गेमिंग ही करने वाला हूँ। मतलब जो अपना एक डेडिकेटेड रहेगा वो हो सकता है COD के लिए रहे, या कल को कुछ और मोबाइल का कोई गेम आ जाए मतलब जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी गजब का हो, तो हाँ हम उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बट रहेगा ये वाला सिर्फ मोबाइल गेमिंग से रिलेटेड। मोबाइल में कोई भी गेम आ जाए, शूटर हो, कोई फनी हो, किसी भी टाइप का, बट रहेगा मोबाइल गेमिंग से रिलेटेड ही। और लाइक आपको पता होगा मैंने एक मिस्टर ठग 2.0 बनाया था, उस पर सिर्फ मैं हैंडकैम के लिए बनाया था, तो उस पर सिर्फ आपको हैंडकैम ही मिलेंगे, डेडिकेटेड हैंडकैम्स ही मिलेंगे। उस पर गेम अलग अलग हो सकते हैं हैंडकैम्स से, मतलब मोबाइल गेमिंग की आपको पता है हैंडकैम तो मोबाइल हो सकता है PC गेमिंग का भी बन जाता है, मतलब उसमें माउस का अपना दिखा देते हैं कि माउस से कैसे किस टाइप से रिफ्लेक्स कर रहे हैं, माउस को किस टाइप से मूव कर रहे हैं, बट हम मोबाइल गेमिंग के ही हैंडकैम उस पर लेके आएंगे। अब बात आती है यार कि बंदे कहेंगे आप अभी भी मतलब एक डेडिकेटेड एक पे रह रहे हो यार, शिफ्ट करो PC गेम्स भी खेलो। तो गाइज आपको नहीं पता होगा बट मैंने शुरू कर दिया है माइनक्राफ्ट, फॉल गाइज, वेलोरेंट और GTA, 4 गेम PC में स्टार्ट कर दिए हैं। GTA की तो आपको एक पूरी सीरीज देखने को मिलेगी, मतलब लाइक पूरा एक वर्ल्ड नहीं होता GTA का, सारा सीन मतलब एक बंदे से रिलेटेड, उस बंदे ने कैसे क्या सारा सीन का सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। और माइनक्राफ्ट में आपको पता है वर्ल्ड आपको एक बहुत बेहतरीन वर्ल्ड अपना बनाएंगे और सच में मज़े आ जाएंगे। और वेलोरेंट और फॉल गाइज है फन के लिए खेलने के लिए, ये गेम यार मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, लिटरली मतलब बहुत अच्छे लगे। तो इनका क्या होगा, इनका एक कंटेंट मतलब PC गेमिंग यार एक पता है मोबाइल गेमिंग PC गेमिंग डिफरेंट हो जाती है, तो अपना जो ये है मिस्टर ठग इस पे तो आपको पता है डेडिकेटेड था और डेडिकेटेड ही रहेगा एक गेम के लिए कल को, और अभी COD के लिए डेडिकेटेड मैं करने की सोच रहा हूँ, बट कल को मेरे को लगता है कि और गेम आ जाता है तो हाँ उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, और मिक्स भी हो सकता है बट आएगा इस पे मोबाइल गेमिंग का ही। और जो अपना हिंदुस्तानी गेमर्स मैंने एक बनाया था, अब उसके ऊपर आएंगे PC गेम्स पूरे के पूरे प्योर PC गेम्स, जो कि लाइक डेडिकेटेड PC गेम्स मान सकते हो, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आएंगे। उस पर मैं एक गेम को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला लाइक जैसे मिस्टर ठग पे था। और ये COD का गेम प्ले जो आपको चल रहा है कैसा लग रहा है ये भी आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। भाई लिटरली सिर्फ 1.5 से 2 दिन खेला है मैंने, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने 20-25 ही मतलब ये खेले होंगे जो अपना इसके अंदर लाइक TDM का जो ये है मल्टीप्लेयर, इसके अंदर तो बता देना कैसी लग रही है। मैं स्नाइपिंग को ही अपना मतलब लेके चल रहा था, स्नाइपिंग करनी थी, और इस चीज़ से रिलेटेड मैंने सोचा कि स्नाइपिंग का एक गेम प्ले भी बनाते हैं और आप सभी को इन्फॉर्म भी कर देंगे कि क्या सारा सीन है। गेम प्ले भी आपको साथ में देखने को मिल रहा है, प्लस अपनी वॉइस ओवर तो आपको पता ही है। और अभी इसमें 1-2 दिन में मतलब मैं हैंडकैम की सोच रहा हूँ, एक अच्छा सा हैंडकैम बनाऊँ सभी के लिए, ओनली स्नाइपर का, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी का एक हैंडकैम प्रॉपर जो अपने मिस्टर ठग चैनल के लिए, और उसके बाद अपना रेगुलर आपको पता है जैसे हम PUBG मोबाइल के गेम प्लेज डालते थे, सोलो स्क्वाड, ड्यू स्क्वाड, या फिर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, या जो भी सोलो वर्सेस सोलो, वो सब आपको देखने के मिलेगा एक प्रॉपर मतलब जो बैटल ग्राउंड होता है उसके हिसाब से। और
धमाकेदार। देखो अपना कंटेंट चाहे कैसा भी हो बट हम धमाका नहीं छोड़ने वाले, जैसा उसमें करते थे इसमें भी सिक्स फिंगर खेलने वाले हैं। सिक्स फिंगर के ही हैंड कैम आपको देखने मिलेंगे और सिक्स फिंगर वाली ही चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। हम वो नहीं है यार, मतलब उसमें चलो सिक्स खेलते तो इसमें टू या फोर शुरू कर दे, भाई हम सिक्स वहाँ खेलते थे तो सिक्स ही यहाँ पे खेलेंगे और धूम वैसी मचाएंगे। बस ये थोड़ा सा यार रिफ्लेक्स बनाने का मेरे को अभी इसमें टाइम चाहिए, एक दो दिन का, वो एक दो दिन तीन चार दिन जो भी लग सकते हैं यार। देखो ग्राइंड तो हर चीज़ में करनी ही पड़ेगी और उसके बाद आपको सारा सीन गजब का देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमको अगर लाइक कुछ बंदे कहते हैं यार हमको COD भी पसंद है, बहुत कहते हैं, तो उनको मतलब यार एक टॉप 5 गेम्स जो कि COD से लाइक रिलेटेड हो, COD क्या मोबाइल में रिलेटेड हो, शूटर गेम्स हो और जो कि मतलब हम खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छे भी हों। तो लाइक आपको पता है जो कि यार PUBG के अल्टरनेट हम मान सकते हैं, तो सबसे पहला तो देखो यार मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ COD को, बिकॉज मेरे को काफ़ी सही लगा। देखो यार मतलब चीज़ें वैसी सेम तो नहीं है जैसे कि PUBG मोबाइल के अंदर थी, बट COD मोबाइल में भी COD मोबाइल जोड़ दिया तो COD मोबाइल के अंदर भी भाई लाइक आप मतलब मिल जाती हैं आपको मैक्सिमम चीज़ें। इसका जो FPP है ना, TPP इतना अच्छा मेरे को नहीं लगा, COD का FPP ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक्टिविजन की जो कंपनी आप मतलब जिसके अंदर में COD आता है, तो यार इनका जो सारा सीन है ना भाई वो FPP वाला ज़्यादा गजब लगता है। आप खेल के देखना है कि इनका FPP खेलना है TPP खेलना, आपको सच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि FPP ज़्यादा मज़ेदार है या TPP। अब बात आती है सेकंड गेम, पहला तो COD हो ही गया और मैं भी COD को ही अपनी मतलब एक डेडिकेटेड लेके चलने वाला हूं। सेकंड आता है भाई फ्री फायर। अब कुछ बंदे कहते हैं यार आप फ्री फायर खेलो, कुछ कहते हैं फ्री फायर मत खेलो, अच्छा नहीं लगता। देखो यार मैंने खेल के देखा है भाई, देखो यार एक गेमर हूँ तो हर चीज़ को ट्राई करना मेरा था फर्ज कि PUBG बैन हुआ है, अपना पहले डेडिकेटेड PUBG पे था तो मैंने फ्री फायर भी खेल के देखा है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी और क्रिटिकल उप्स भी खेल के देखा है, मतलब काफ़ी गेम्स मैंने खेल के देखे हैं। तो फ्री फायर देखो यार गेम अच्छा है, मैं नहीं कह रहा किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है, बट मेरे को पर्सनली उसकी जो मूवमेंट थी ना बंदे की, लाइक वो बंदा कुछ अलग ही तरह से चल रहा था, मेरे को सिर्फ बाकी सारा गेम वो सही है बिल्कुल सही लगा मेरे को, बस उसकी जो मूवमेंट है ना बंदे की वो कुछ पता नहीं अलग ही तरह से वो बंदा चल रहा था, कई बार दीवारों में जाके लगता जा रहा था थोड़ा सा, उसको मेरे को वो डिफरेंस लगा। अगर हाँ उसको इंप्रूव कर लेते तो वो गेम भी काफ़ी तबाही है यार। देखो 500 मिलियन प्लस डाउनलोड है उस गेम के, तो गेम खराब कैसे हो सकता है, दुनिया को इतना पसंद आ रहा है तो गेम में कोई कमी नहीं है, गेम काफ़ी अच्छा। बट हाँ हर बंदे का ओपिनियन यार अलग अलग होता है तो किसी को कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, तो हाँ मेरे को उसमें थोड़ी सी लगी कमियाँ। तो अभी के लिए करंट टाइम में मैं COD ही खेलने वाला हूँ। और अब बात करते हैं थर्ड गेम की तरफ, थर्ड गेम क्रिटिकल उप्स आप ट्राई कर सकते हो भाई। क्रिटिकल उप्स मतलब ऐसे मान लो कि भाई बहुत ज़्यादा टक्कर देता है वो गेम, ऐसी फील देता है आपको कि हाँ एक कम्पिटिटिव जैसे PUBG में था। एक देखो यार PUBG के जो ग्राफिक और जो सारी चीज़ें थी वो काफ़ी खतरनाक थी और PUBG एक ऐसी फील देता था कि यार गेम सच में रियल लाइफ में चल रहा है, और उसका कम्पिटिटिव भी आपको पता है PUBG का बहुत ग्रो किया था अपने इंडिया के अंदर। तो क्रिटिकल उप्स एक इस टाइप का लगता है लाइक एक कम्पिटिटिव गेम, काफ़ी मतलब डेडिकेटेड है वो भी इन चीज़ों से रिलेटेड, उसको भी खेल के देखना वो काफ़ी गजब का। मैंने ट्राई किया था बट एट द एंड भाई जो कह रहते हैं ना भाई फ्रेंड्स जो सर्कल है वो COD खेलेगा, और वो जो मतलब दिल में होता है ना यार कोई साथ खेलने वाला नहीं, अकेले खेल के मतलब हम गेम को कितना दूर ले जाएंगे, साथ खेलने वाले मतलब चाहे हम बुरा भी खेलते हो और साथ खेलने के लिए फ्रेंड्स हैं ना अपने पास तो उसमें ज़्यादा मज़े आते हैं। तो वही वाली बात थी, कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पहले से खेलते थे, जो मतलब काफ़ी पहले से खेलते थे, ऐसी बात नहीं है जब से COD आया तब से खेलते थे, तो उन्हीं के साथ अब हम आगे अपने सफ़र को आगे करने वाले हैं, अपनी स्क्वाड भी बनाएंगे, अच्छे बंदे हर चीज़ आएगी। और जो अब बाकी बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ गेम से रिलेटेड, देखो फोर्थ और फिफ्थ गेम में अभी मैंने करंटली वैसे किसी गेम को लेकर नहीं चला, बट तो PC का एक काफ़ी फेमस गेम आपको पता होगा एपेक्स लेजेंड, उसकी भी मतलब मैंने सुना है कि मोबाइल वर्जन उसका आने वाला है, तो यार वो काफ़ी तबाही हो सकता है, उसको भी हम ट्राई करेंगे और आपके लिए भी वो एक ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर आप उसको रख सकते हो कि हाँ हम ये वाला ट्राई करें। और एक आता है कि लाइक आपको पता होगा साइबर हंटर करके काफ़ी पहले गेम आया था, तो उसका भी मतलब वो अभी भी चल ही रहा है, आप उसको के ट्राई कर सकते हो, वो भी सही गेम है, बस उसमें थोड़ा सा उसको दो तीन चीज़ों का मिक्सअप करके दे दिया, लाइक आप फोर्टनाइट का मिक्सअप करके फ्री फायर PUBG का उसमें तीन चार गेमों का मिक्स करके दे रखा है, तो उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि यार यही गेम्स हैं, काफ़ी और गेम्स भी हो गए शायद मेरे को नहीं पता होगा या मेरे आगे नहीं आएंगे, तो कुछ बंदे कहेंगे आप उसको ट्राई कर सकते हो, हाँ जरूर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है भाई, भरो उसको कितने ज़्यादा, मतलब आप अपनी राय भी बता सकते हो क्या सारा सीन रहने वाला है। और COD मोबाइल में मेरे को एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है
कि इसका जो फायर वाला बटन है पता नहीं यार मैं उस पर फायर कर रहा हूँ, और जब स्नाइपर में लाइक असोल्टिंग वाली एआर वगैरह जो गन्स है उनमें सही चल रहा है, बट जो स्नाइपर है उसमें मतलब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो फायर नहीं कर रहा। आप देख भी रहे होगा आपके सामने जो वीडियो चल रही है, जो गेम प्ले चल रहा है, इसमें काफ़ी टाइम हुआ है मेरे साथ। तो इसका भी एक मेरे को कोई बंदा जिसको पता हो तो थोड़ा सा सजेस्ट करके मेरे को बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अब मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर बंद करता हूँ, काफ़ी लंबी वॉइस ओवर मैंने कर दी, और इसको आप इंजॉय करो। आगे मैं थोड़ा सा गेम प्ले डाल लेता हूँ, उसको लो इंजॉय, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ और प्रॉपर हैंडकैम या गेम प्ले आएगा अपना, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय। Enemy contact! Reloading. Cover me. Friendly shield turret deployed. Changing mag. Capture the objective. Hardpoint identified. Reloading. Cover me. Reloading. Hardpoint cover is me. Ours. Reloading. Cover me. Hardpoint contested. Hardpoint lost. I'm down. Get up, team. Let's go this way. Thank you.